कोहली ने रचा एक और इतिहास। किंग कोहली ने क्रिकेट के भगवान तेंदुलकर को भी छोड़ा पीछे। दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी के 12वें ओवर में कोहली ने रच दिया इतिहास। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। विराट कोहली मतलब इस सदी के महान खिलाड़ियों में से एक, जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर में ऐसे कई कारनामे किए, ऐसे कई नामुमकिन को मुमकिन बनाया, ऐसी कई उपलब्धियों को हासिल किया जो किसी आम खिलाड़ियों के बस की बात नहीं। ये सब कुछ क्रिकेट की दुनिया के सिर्फ दिग्गजों ने ही करके दिखाया है। विराट कोहली को आज किंग कोहली का लकब ऐसे ही नहीं मिला। कोहली ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष किया है। आपको याद होगा, कोहली के करियर में एक ऐसा वक्त भी आया था जब वे कई सालों तक आउट ऑफ फॉर्म रहे। इस दौरान उनको लेकर कई तरह की बातें की गईं, उनके बैटिंग पर सवाल उठाए गए, लेकिन कहते हैं ना, फॉर्म तो टेम्पररी होता है लेकिन क्लास परमानेंट होता है। पिछले साल एशिया कप में जैसे ही कोहली ने शतक लगाकर वापसी की, उन्होंने अपने सभी आलोचकों की एक तो बोलती बंद की, वहीं दूसरी तरफ ये साबित कर दिया कि सच में क्लास इज परमानेंट। तब से लेकर अभी तक किंग कोहली फिर से अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं और इतिहास पर इतिहास रच रहे हैं। जी हाँ, कोहली ने क्रिकेट की दुनिया में एक और नया इतिहास रचा है, तो वहीं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के एक रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला है। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए आपको बता देते हैं कि कोहली अब कौन सा नया इतिहास रचते हुए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के विश्व रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला है। कोहली की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। कोहली से पहले भी भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन फिलहाल भारतीय टीम में कोहली का तारा चमकता है। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में 25,000 रन पूरे कर लिए हैं, और बड़ी बात यह है कि उन्होंने यह मुकाम महज 549 इंटरनेशनल पारियों में हासिल किया है, जो अब तक सबसे तेज भी है। इससे पहले क्रिकेट के भगवान पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने 577 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 25,000 रन का आंकड़ा दूसरी पारी के 12वें ओवर की पहली गेंद पर नाथन लायन को चौका जड़कर पूरा किया, और इसी के साथ इस मुकाम को हासिल करने वाले कोहली सचिन के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम 664 इंटरनेशनल मैचों में 34,357 रन दर्ज है। तो इस तरह से कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक और उपलब्धि हासिल की है। वैसे किंग कोहली के इस उपलब्धि पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।